कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। की मांगों को पूरा करो, पूरा करो। बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, बिजली दो, बिजली दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, बिजली दो, बिजली दो, पानी दो, पानी दो। सारी कर्मचारियों की हम उनकी सपोर्ट में आए हैं। देखिए हाथों में ये वाटर की जो डिमांड है ये लेकर ये आए हैं। अरे यार उनसे बातचीत प्रारंभ हो, बीच वाला रास्ता निकले, समाधान हो। अगर 100 दिन 150 दिन हो गया उनको बैठे हुए, कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं हो रहा। हम बाहर निकले उनके समर्थन के अंदर। मैं इसको इनिशिएटिव लेने का प्रयास करना चाहता हूँ। क्या PHE के एम्प्लॉई मेरे साथ मिल करके इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे? अगर PHE के एम्प्लॉई को ओपन ऑफर देता हूँ, मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ। अगर वो चाहें तो मैं मध्यस्थता बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार से भी कहना चाहता हूँ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने डोगरों के महाराजा को सम्मान दिया, लेकिन ये जो डोगरे धरती के ऊपर बैठे हुए इतने दिनों से भूख हड़ताल करके बैठे हुए, नंगे कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चे फीस नहीं है, फीस बंद हो गई है उनकी, बच्चे का पढ़ना बंद हो गया है, उनका रास्ता बनकर मध्यस्थता बनकर के मैं कार्य करने का प्रयास करना चाहता हूँ। PHE डेली वेजर से भी कहना चाहता हूँ मैं मध्यस्थता करने का प्रयास करूँगा, आप मेरे साथ रहिए। यहाँ गलत होगा रोक दीजिए, यहाँ समझौता होता है वो कर लीजिए, ये मैं ऑफर करना चाहता हूँ। अब ये उनका विषय है, मेरा नहीं। मैं मध्यस्थता करूँगा, लेकिन वो कौन कौन लोग आना चाहते हैं मेरे साथ वो फैसला करें, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये अंधाधुंध व्यवस्था नहीं चलने वाली है कि वो बैठे या कोई सुनने का प्रयास नहीं कर रहा। लाठीचार्ज होगा, आपने लाठीचार्ज करा युवा राजपूत सभा पर, क्या हुआ बाद में? बातचीत तो टेबल पर होकर के समाप्त हुई। और ये भी कहूँगा कि एक LG जो बार का था, जो कहते हैं डोगरा नहीं है, 74 वर्ष किसी डोगरे ने महाराजा हरि सिंह को छुट्टी नहीं दी, LG साहब ने दी, तो फिर जो डोगरे बैठे हो उनके विषय के अंदर विचार करो, बीच वाला रास्ता निकालने का प्रयास करो, ताकि हड़ताली व्यक्ति अपने कामकाज पर जाएं। जम्मू के अंदर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अभी नवरात्र आने वाले हैं, पानी नहीं होगा हाहाकार मच जाएगा। अभी वो कह रहे हैं कि जो परमानेंट लोग हैं वो भी उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं 4 दिन के बाद, यहाँ तो पानी की बूंद नहीं मिलेगी। उसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब आप ईमानदार व्यक्ति हैं, बीच में बैठ करके एक और है हमारे कमिश्नर PHE, उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाई आप तो अच्छे आदमी हैं, हॉनेस्ट हैं, बीच में बैठ करके रास्ता निकालने का प्रयास क्यों नहीं होता? मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ, बीच में रास्ता निकालूंगा अगर PHE डिपार्टमेंट के लोग चाहें तो। मैं इसके लिए तैयार। लगता है आपको कि पिछले कई डिकेड से